शहर भर से बेसहारा पशुओं को ट्रॉली में भरकर किसान शहर की अनाज मंडी पहुंचे। शहर में दिन ब दिन आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। आवारा पशुओं की वजह से रोजाना हादसे होते हैं और कई लोग चोटिल होते हैं। इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए किसानों ने एक कदम आगे बढ़ाया है और सरकार से इस समस्या का समाधान करने की अनोखी तरीके में अपील की है। आवारा पशुओं को ट्रॉली में भरकर अनाज मंडी पहुंचे। एक बार पहले भी वह इसी तरह से पशुओं को भरकर अनाज मंडी पहुंचे थे और प्रदर्शन भी किया था, तो साल के अंदर उनका यह दूसरा प्रदर्शन है। लेकिन गूंगी बहरी सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। हाँ जी सर, आज आवारा पशु जो है वो ट्राली में भरकर पहुंच रहे हैं, आप लोग सब इकट्ठा हुए, क्या कुछ बैठ रहा है, क्या कुछ रहने वाला है? आवारा पशुओं को ट्राली में भरकर लेके आए आज हम 12 तारीख को। लेकिन प्रशासन को हमने लगभग 15 दिन पहले चेता दिया था इस मामले के अंदर। प्रशासन ने किसान यूनियन शहीद भगत सिंह की जो कॉल थी उसको ढीला समझा, लेकिन यूनियन की जो कॉल होती है वो रेल के इंजन की तरह होती है, वो ना झुकती है ना रुकती है। ये प्रशासन को पता भी है लेकिन फिर भी इग्नोर मार देते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन भी सरकार के अंडर प्रेशर काम करता है। सरकार इस मसले को सुलझाना नहीं चाहती क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों से वोट बटोरते हैं। मेरा ये कहना है भी जो लोग गौ माता पुकारते हैं आज उनके लिए 2023 में दिसंबर का 12 दिसंबर का दिन बहुत अच्छा दिन है। आज हमारे यहाँ आए जो गौ माता पुकारते हैं, हम उनको एक लाल रिबन गाय के सिंगों में बांध कर पेंट करके दे देंगे, वो सारा जिंदगी तक उस गाय की सेवा करें, तब तो वो हिंदू भक्त हैं, गौ भक्त हैं। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला हमारे को नज़र नहीं आया आज तक। मेरी गौ रक्षकों से भी बेनती है भी आज गौ रक्षा करने के लिए आप किसान यूनियन शहीद भगत सिंह का साथ दें और प्रशासन से जूझें, सरकार से लड़ें जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट मांगती है। ये आवारा गौ वंश है, ये सूर की प्रजाति है, ये देसी गाय नहीं है। देसी गाय के हक में हम हैं, ये विलायत से आई हुई नस्ल है, ये हर चीज़ खाती है, ये इंसान को टक्करे मार के मार देती है, इसके मन में दया नहीं है। भारत वंशी गऊ नहीं है, सरकार इसका प्रबंधन गौशाला में करती है तो कर दे। जब हम दूध के लिए गाय खरीद के लेके आते हैं 50,000 से लेकर 80,000 तक की हम गाय खरीदते हैं, लेकिन वो थनों के खराबी होने के कारण कंडम हो जाती है या वो गर्भधारण नहीं करती, फंडर हो जाती है, तो उससे हमारे को मान के चलो 20-30 हज़ार रुपये प्रति गऊ का पैसे का घाटा पड़ता है। अगर सरकार हमारे को ये बेचने की परमिशन दे, पशु तो हमारा था, परमिशन दे, जो ये जन्म विरोधी कानून बनाया इन्होंने, इनकी रक्षा के लिए एक जान माल बच जाएगी, किसान के धन की बचत हो जाएगी और आम लोगों को शुद्ध दूध मिलेगा। दूध नकली है, बनावटी है, सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, लेकिन जब किसान रस्सा डालकर गऊ को कहीं ले जाना चाहता है फिर कहते हैं भी आप इसको ट्राली में लोड करके कहीं नहीं ले जाते, आपके ऊपर पर्चा दर्ज होगा। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं जो लोग कानून बनाते हैं लोकसभा में बैठकर भी, ये कानून तूने बना दिया, आप फर्जी डिग्री वाले विधायक हैं? अगर आप समझदार होते, मेंस प्लस देखा जाता है हर मसले का, आज मेंस में हम गए, 30,000 की गऊ बिकने वाली, 60,000 का सांड बिकने वाला सड़कों पर आ गया, जब हम उसको बेच नहीं सकते, इसको बेचने की मंजूरी सरकार दे ताकि किसान बच सके, हमारी नस्ल बच सके। हमारे नौजवानों की एक हफ्ते के अंदर 6 बच्चों की टांगें टूट गई, रेड क्रॉस वाले इतने पैसे लेते हैं किसी का इलाज करवाने के लिए, कभी पेपर में आपने देखा कि रेड क्रॉस गऊ से जो एक्सीडेंट हुआ है उसका इलाज करेगी? ये लोगों को लूटने वाली सरकार है, मारने वाली सरकार है, हम इसका 100% विरोध करेंगे। आज तो प्रदर्शन अनाज मंडी के अंदर है, इससे अगली जो कॉल होगी वो विधायक के दरवाजे पर, मंत्री के दरवाजे पर लंबी कतार में रस्सा गाड़ कर, खूंटे गाड़ कर, वहीं इनको चारा पानी की व्यवस्था करेंगे और वहीं आंदोलन चलेगा ताकि वो जो गौ रक्षक बनते हैं मंत्री जिन्होंने कानून बनाया है, वो अपनी माता गौ माता की और नंदी पिता की और अपनी बहन है भाई बोलते हैं बछड़े कटड़े, ये सब उनको हम समर्पित कर सकते हैं, लेकिन हमारे मूल्यवान प्राणी थे, हम उनको मुफ्त में समर्पित कर देंगे। मैं आस और उम्मीद करूँगा कि आपने जो फेसबुक राही लाइव कराया आपका धन्यवाद है। अगर सरकार के कान के अंदर लहसुन की गठी सरसों के तेल में रिझाकर कोई बूंद अंदर चली जाए तो ये सरकार बात सुन लेगी
ये नहीं तो अंधी और बोली सरकार है, इसमें कोई हमारे को कहने में झिझक नहीं। हम किसानी के लिए नहीं, आम जन के लिए लड़ने वाले सेवादार साथी हैं। आम जन की लड़ाई है, आम जन का एक्सीडेंट होता है तो सरकार बाज आ जाए और इसको बेचने की किसानों को अनुमति दी जाए। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बच जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका भी धन्यवाद और जितने साथी देख रहे हैं उनका धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारे साथी लाइक शेयर वालों को भी कोई ना कोई फायदा मिल सके जो यहाँ सवेर से निकल के शाम तक किसानों का प्रदर्शन को लाइक शेयर करते हैं। धन्यवाद। आज से पिछले साल भी ऐसा ही प्रदर्शन किया गया था और आज फिर उसी तर्ज पर किया जा रहा है, क्या पिछले साल नहीं इसी साल 16 फरवरी को हमने प्रदर्शन यहाँ किया था तो हमारा प्रशासन द्वारा हमारे साथ बड़े बड़े वादे किए गए थे। ईडी प्लान के तहत शेड बनाए जाएंगे, उसमें ये आवारा गोवंश को छोड़ा जाएगा, आप अपने अपने गाँव में इनको इकट्ठे कर लो, वहाँ से प्रशासन इनको लेकर आएगा, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे अनेकों वादे प्रशासन द्वारा 16 फरवरी 2023 को किए गए थे, पर उस किसी भी अपने किए हुए वादे के ऊपर प्रशासन खरा नहीं उतरा। तो भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह आज फिर द्वारा साल के अंदर ये दूसरा प्रोटेस्ट आवारा पशुओं को लेकर कर रही है कि ताकि कहीं ना कहीं हम ये कहना चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट के जरिए इस अंधी बड़ी बैरी सरकार के कानों के ऊपर जू सरके और इन बेचारे अनबोल दे धन का कोई स्थाई प्रबंध किया जा सके, क्योंकि ये सरकार इस गऊ के नाम पर सत्ता में आती है ये पार्टी और सरकार बनाकर फिर हमारे ऊपर टैक्स लगाती है पर इनका प्रबंध नहीं करती कोई। तो हम यही कहना चाहेंगे आपके माध्यम से इन आवारा पशुओं का स्थाई प्रबंध किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से जहाँ किसान की फसल का नुकसान हो रहा है, अब तो एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं कि हमारी नस्लों को खाने लग गई। तो मुद्दा बहुत गंभीर है, तो सरकार भी इसके ऊपर गंभीरता से सोचे। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग गौ प्रेम के ऊपर लोगों को मार रहे हैं गौ रक्षा के नाम के ऊपर, आज उन लोगों के पास एक मौका है, वो अपने घरों से निकल कर आए, इनको सामने हम इससे यहाँ से देखो गुब्बारे बांध कर लेके आए हैं हम अपने गाँव से ट्राली के ऊपर, होम डिलीवरी देने का भी प्रयत्न करेंगे गोरक्षकों को भी, वो जी चाहे बढ़िया इनको चारा डालें, दाना दूना बनवा कर रखें, बहुत बढ़िया तरीके से इनका समाधान रखें। वो दो काम होंगे, एक तो ये आवारा पशु लोगों को के डंडे खाने से बचेंगे, एक लोगों की फसल नक्सल का नस्ल का बचाव होगा और दूसरा उनका गो प्रेम पूरा हो जाएगा, प्रशासन का भी काम हो जाएगा, गो प्रेमियों का भी हो जाएगा, हमारी भी जान बच जाएगी। अब सारी दुनिया रात को ठंड में अपने घर पे सोती है दो दो रजाइयां लेकर, किसान है बेचारा दिन में काम करेगा रात को इनसे अपनी फसल की रखवाली करेगा, तो वो हमारे लिए ये यहाँ लेकर आना एक मजबूरी है। तो आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे करे सरकार इनका प्रबंध। ठीक है। विधायक के पास हम गए थे गांव आयमा के अंदर प्रश्न उत्तर करने, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास कोई आप मुद्दा लेकर नहीं आते। मैं आपके माध्यम से ये विधायक को कहना चाहूँगा, ये देखो कितना बड़ा मुद्दा है, हो सकता भी अपने भाइयों के साथ सलाह मशवरा करेंगे, ये हो सकता आपके दरवाजे पे ना आ जाए, बड़ा मुद्दा है, होमवर्क रखो करके इसका समाधान करने के लिए। आपको लोगों ने सरकार में बना के भेजा है, तैयारी रखो। अब ये कहाँ जाएंगे ये हमारे को नहीं पता, जैसे हमारे भाई बंधु बोलेंगे, हो सकता है मंत्री की कोठी पे जाए, विधायक के घर आ जाए, कहाँ जाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। हमारे प्रधान जी बैठे हैं, जैसे ये ऑर्डर करेंगे डफली वैसे बजेगी। आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा सीएम गोयल जी को, ये रखें प्रबंध करके, आपने बोला था कि मेरे पास लेके आओ आपके जो मुद्दे हैं, एक मुद्दा तो लेके आगे, ऐसे अनेकों मुद्दे आएंगे आपके पास, तैयारी रखना करके। धन्यवाद। आज हमारा पशु जो है वो ट्राली में भरकर लाए गए हैं, पिछली बार भी लाए गए थे, क्या कुछ मैटर है, क्या कुछ मैटर? देखो पिछले बारी भी हम लेके आए थे, पर ये क्या करते हैं गौशाला वाले जमा करा लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। अब के हमारी जो टीम यहाँ पे प्रशासन की है उनसे विनती है कि ऐसा काम नहीं करना कि गौशाला के अंदर पशु छोड़ दें और ये फिर दोबारा उनको खुला कर दें अपना जहाँ भी जाएं। और रही इसकी गौवंश की बात, हम सरकार से कहना चाहते हैं इसका हल करें, बहुत ज़्यादा दिक्कत क्या है, पहले फसलें खाते पैरों के नीचे भी दाब देते हैं, उसमें चल उसका हमने सहन किया जहाँ तक होया, पर जब ये नस्लें का नुकसान लगे करन ये हमारे से सहन नहीं होगा। आज भी कम से कम भी 5-10 लड़के हॉस्पिटल में पड़े हैं इसके ही
गौवंश के शिकार हुए भी, इसको रखो सरकार के पास, सब कुछ है सरकार के पास, अपने विधायक तनखा देने वास्ता 2,25,000 रुपये तनखा है जे एक विधायक की, बताइए मनु किस 2,25,000 रुपये का कौन सा खर्चा कराए ना, माते दे नहीं सकते ना गौशाला में एक एक महीने की तनखा, वहां दे दो जय ने गऊ, इनू गऊ माता कहा ना, गऊ माता सामने आ, यहाँ तो पिता भी पड़े हैं बथेरे, अग्गा छोकरे पड़े उनके सारे, जिन्हू भाई गऊ माता और पिता चाहिए अज खुला पंडा रहा ले जाओ जिन्हू चाहिए, RSS वाले कह रहा हूँ ठीक है। और क्या कुछ रणनीति अपनी अपनाई जाएगी? रणनीति तो प्रधान जी उरी बैठे हैं, उसके बाद देखेंगे, अली कट्ठे करेंगे शाम तक कट्ठे करेंगे, तो रात नू 2 बजे 3 बजे खड़ा नहीं बिड़ा हमारा, पिछले बार भी नहीं बिड़ा था, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आओ ले जाओ जिन्हू चाहिए आ, नहीं तो प्रशासन का हल करा भी जहां भी छोड़ने हैं, और अगर प्रशासन कहा भी इनू मलाना या टंगैल छोड़ का आवा, एक पशु का टेंडर 1,570 रुपये आ, पशु गिण का 1,570 के हिसाब से उन्हू पैसे दे हो, और अगला आपा छोड़ा होगा वहां जहां थम कहेंगे, जै कहा था फरी में छोड़ का वहां फरी में हमारे बनी छोड़े जनते हैं, सरकार इनू सांभा, सरकार का यो काम, सरकार ने इनकी दुर्दशा कराई आ, ने अपने घर से बैठे थे या तो किसी के घर बंध रहे थे, अरे या फिर सहारनपुर सीधा हत्थे के अंदर ठीक है, फिर सरकार ने इनकी दुर्दशा क्यों कराई आ, इवन की कोई टंग बढ़ दे, कोई इनकी आंख फोड़ दे, कोई इनके सिंग तोड़ दे, भूखे मर रहे हैं, तो ऐसा जुल्म ना करो, इनकी है हथ करका ले जाएगी सरकार नु, देख दे जो आने वाले टाइम में आगे आगे देखो होता है क्या, ठीक है धन्यवाद। हमारा पशुओं को लाया गया ट्राली में भर कर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहने के लिए बहुत से मेरे साथियों ने भली प्रकार समझा दिया है, मैं तो एक ही बात कहूँगा, सरकार के पास परमानेंट इसका समाधान है, एक देश एक कानून बनाकर, जैसे और स्टेटों में 16-17 स्टेटों में इनकी मुक्ति का रास्ता है, वो हमें भी उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि हमें आर्थिक नुकसान भी ना हो, हमारी फसलें भी बर्बाद ना हो, हमारी नस्लें भी बर्बाद ना हो, क्योंकि उन स्टेटों में कुछ स्टेटों में बिना लाइसेंस के भी आप इनको काट के बेच सकते हो, कुछ में लाइसेंस लेने के बाद काट कर बेच सकते हैं, और हमारा देश कभी एक नंबर पर कभी दो नंबर पर बीफ एक्सपोर्ट का दर्जा हासिल करता है, वो कहाँ से करता है, इन्हीं गऊओं से करता है ना, तो यहाँ की गऊओं में उनकी गऊओं में फ़र्क क्या है, वही कानून एक देश एक कानून बना के हमें भी उसकी अनुमति दे जाए, समाधान पक्का हो जाएगा, बस मैं तो इतनी बेनती करूँगा। आवारा पशुओं की समस्या को लेकर जब मौके पर मौजूद ड्यूटी मजिस्ट्रेट अमित कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह मौके पर पहुंचे हैं और किसानों से बातचीत भी की है, जल्द ही सहमति बनने के आसार हैं, और गौशालाओं के बारे में भी किसानों को बताया है, लेकिन किसानों का कहना है कि जो गौशालाएं बताई गई हैं वह काफी दूर हैं, उन्हें पास की गौशाला प्रदान की जाए, इस पर भी काम किया जाएगा। प्रोटेस्टर्स के साथ वो यही है कि भाई वे बोल रहे हैं कि हमारे जो पशु हैं आवारा, मतलब जो रोड पे होते हैं उनको इकट्ठा करके एक जगह पे इकट्ठा किया जाए, तो हमने एक इनको ऑप्शन दिया है, अच्छे गौशाला के ऑप्शन दे दिया ऑलरेडी हमने, तो वो कह रहे हैं कि वो गौशाला दूर है, हमें पास की दी जाए, लेकिन जहाँ गौशाला में जगह होगी हम वहीं छोड़ सकते हैं पशुओं को, तो यही बात हुई है अभी, और इनका एक दो और इशू है जो आगे मैं ऊपर प्रशासन से बात करके उसको तुरंत इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो किसी प्रकार की कोई सहमति बनी है अभी? सहमति बन जाएगी, बातचीत जारी है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये शांतिपूर्वक ये धरना दे रहे हैं अपना, और जैसे ही कोई सहमति बनती है तो हम आपको बताएंगे। सर लास्ट टाइम 16 फरवरी को इसी टाइप का हुआ था प्रोटेस्ट, उस टाइम प्रशासन द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि गांव सद्दोपुर के अंदर एक गौशाला बनाई जाएगी और डी प्लान के तहत वो बननी थी, अभी तक 11 महीने के बाद भी उसके ऊपर काम तक नहीं शुरू हो पाया। कोई बात नहीं, मैं ये इशू भी एक बार प्रशासन के आगे रखूंगा, और जो भी इसमें अच्छे से अच्छा हम कर सकते हैं वो करेंगे। वहीं आवारा पशुओं की समस्या को लेकर SHO मनीष कुमार ने कहा है कि आज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं जो कि बेहद शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है, वह मौके पर यहां मौजूद हैं और जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देखिए किसानों का ये प्रदर्शन आवारा पशुओं को लेकर के है,
और इनकी डिमांड ये है कि इन आवारा पशुओं के लिए आश्रय का इंतजाम किया जाए और समुचित व्यवस्था की जाए, जिसको लेकर के प्रशासन से बातचीत चल रही है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट अमित कुमार यहाँ मौजूद हैं जो प्रशासन से समुचित व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। शीघ्र इनकी सभी समस्याओं का हल करके निवारण किया जाए। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।